हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है स्कोडा कुशाक और ये इसका मोंटे कार्लो एडिशन है। ये कार आपको दो एक्सटीरियर शेड्स के साथ देखने को मिलती है। इंजन ऑप्शन आपको दो दिए गए हैं, एक 1 लीटर TSI और एक 1.5 लीटर TSI इंजन। 1 लीटर TSI इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ आपको 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों प्राइस स्टार्ट हो जाती है 19.06 लाख ऑन रोड से लेकर और टॉप मॉडल की जाती है 22.79 लाख ऑन रोड। मोंटे कार्लो के इस एडिशन की प्राइस पड़ेगी आपको 16.49 लाख एक्स शोरूम और ऑन रोड जाएगी 19.06 लाख। 5 स्टार सेफ्टी के साथ ये कार आपको देखने को मिलती है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी कार चाहते हैं 5 स्टार रेटेड, तो आप पक्का इस कार को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों इस कार के साथ आपको 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, 113 BHP की पावर देता है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। कुशाक के सारे वेरिएंट्स में ही आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। 19.2 KMPL की एवरेज क्लेम करी जाती है इसकी। और ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, व्हाइट कलर के साथ ब्लैक कलर काफी अच्छे से मिक्सअप हो जा रहा है। वर्टिकल स्लैट्स आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल में और ये स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल है। इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी। क्रोम का कोई भी यूज़ यहाँ नहीं किया गया है। मैट ब्लैक फिनिश में फ्रंट बम्पर्स आप देख सकते हैं। रेडिएटर ग्रिल आपकी हनीकॉम मैश पैटर्न में आपको देखने को मिलेगी। बम्पर लिप आप देखिए, आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगी। ये रही अंडर बॉडी और ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm का ये कार आपको ऑफर करती है। दोस्तों काफ़ी शानदार लुक्स है इस कार के। ये रही इसके फ्रंट हुक की पोजीशन। लाइट सेटअप की बात करी जाए तो आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टर प्लस हेलोजन में है। ये रहे इसके DRLs। नीचे आप देख सकते हैं फॉग लैंप्स आपको LED में ऑफर किए जाते हैं गाइस। और ये रही कंप्लीट इसकी फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी जच रहा है इस पर। ये रहे आपके वाइपर्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, साथ ही साथ सनरूफ और रूफ रेल्स यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों। और ये रही कार की साइड प्रोफाइल। लंबाई की बात करें तो 4225 mm की इसकी लंबाई है। व्हील बेस मिलता है आपको 2651 mm का। ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। टायर्स आपको अलग से ही देख के काफ़ी बढ़िया लग रहे होंगे। बात करते हैं टायर्स की तो राउंड शेप में आपको व्हील आर्चेस देखने को मिलेंगे। डायमंड कट अलॉयज है, फ्रंट में डिस्क है। कैलिपर्स आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में आपको कैलिपर्स ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका फ्रंट सस्पेंशन। टायर साइज की बात करी जाए तो आपको इसमें 205/55R17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। दोस्तों मोंटे कार्लो की बैजिंग देख पाएंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, उसके आउटर्स हैं यहाँ पे ब्लैक कलर। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ORVMs विद टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। क्रोम का थोड़ा सा यूज यहाँ पे हैंडल में देखने को मिलेगा विद रिक्वेस्ट सेंसर। और ये रही कार की साइड बॉडी, यहाँ पे आप मैट ब्लैक फिनिश में देख पाएंगे, कोई भी क्रोम का यूज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रियर टायर्स की बात करी जाए तो रियर टायर्स में भी आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ड्रम ब्रेक्स है। और ये रहा इसका रियर सस्पेंशन। विंडो लाइन पे देख लीजिए, आपको कोई भी क्रोम का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर आप रूफ रेल्स देख पाएंगे ब्लैक फिनिश में, मैट ब्लैक फिनिश में। और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। ये रहा आपका फ्यूल कैप, यहाँ से आप फ्यूल फिल कर पाएंगे। केवल पेट्रोल का ऑप्शन है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर्स की। स्पॉयलर्स बॉडी कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रही कार की रियर प्रोफाइल, कुछ इस तरह की रियर प्रोफाइल ये कार आपको ऑफर करती है। दोस्तों कंप्लीट LED का सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हैलोजन में इंडिकेटर्स ऑफर किए जाते हैं, कुछ इस तरह का आपको सेटअप यहाँ पे ऑफर किया जाता है। दोस्तों ये रहे आपके रिफ्लेक्टर्स। पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं, टोटल 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस। रियर बम्पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। ये रहे इसकी अंडर बॉडी और साइलेंसर की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। बम्पर्स नॉर्मली ग्लॉसी ब्लैक में नहीं मिलते हैं, मैट ब्लैक में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाएंगे। रियर वाइपर्स, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना। ये बेसिकली आपका डुअल टोन वाला वेरियंट लग रहा है। यहाँ पर आप कैमरे की प्लेसमेंट देख पाएंगे, साथ ही साथ 2 LED दी गई हैं। स्कोडा की बैजिंग देख सकते हैं। बूट की बात करें तो 385 लीटर का मैसिव बूट स्पेस आपको इस कार में ऑफर किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा हम्प है, सामान रखना और निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ पे आपको हुक्स देखने को मिल जाएंगे 3 kg लोड कैपेसिटी के साथ। इधर आपको केबल लैम्प देखने को मिल जाएगा हेलोजन में, फर्स्ट एड किट, और ये आपका इमरजेंसी ट्रायंगल, और ये रहा आपका टूल किट। स्पेयर टायर की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे 205/55R16 के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स, यहाँ पे आप वूफर की प्लेसमेंट देख सकते हैं। सब वूफर एक पीछे प्लेस किया गया है। स्टील रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं एज ए स्पेयर टायर।
60-40 स्प्लिट में आपको रियर सीट्स ऑफर करी जाती हैं दोस्तों। ये रही आपकी पार्सल ट्रे और ये रहा आपका कंप्लीट रियर प्रोफाइल। दूसरी साइड जाएंगे तो आपको दूसरी साइड भी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है मोंटे कार्लो की बैजिंग। चलिए अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमको ये कार अंदर से ऑफर करती है। दरवाज़ा देख सकते हैं आपको ब्लैक और रेड एसेंट में यहाँ पे ऑफर किया जाता है। मोंटे कार्लो एडिशन में बेसिकली आपका ब्लैक और रेड इंटीरियर है। यहाँ पे आप रेड स्टिचिंग देख पाएंगे, ये सॉफ्ट पोर्शन है, बाकी सारा आपको ये हार्ड देखने को मिलेगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, ये रेड एसेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रोम का यूज़, ये टेक्सचर डिज़ाइन आप यहाँ देख पाएंगे। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये थोड़ा सा रबड़ बैंड दिया है। यहाँ पे आप स्पीकर की प्लेसमेंट देख पाएंगे। रिफ्लेक्टर्स, इस कार में आपको टोटल 6 स्पीकर का सिस्टम देखने को मिलेगा। बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटीरियर ऑफर किया जाता है। ड्राइवर सीट की बात करी जाए तो आपको ड्राइवर सीट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलेगी और फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड ऑफर करी जाती हैं गाइज। प्रॉपर लेदरेट सीट्स यहाँ पे आपको ऑफर करी जाती हैं। और ये रहा आपका इंटीरियर, रेड ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये आपका मैनुअल वर्जन है तो एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच, साथ में डेड पैडल, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, हेडलाइट लेवलर, AC के वेंट्स, साथ में आप क्रोम का यूज़ देख पाएंगे। रेड एसेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब अंदर बैठ के देखते हैं। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेड और वाइट में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पूरा स्पोर्टी फील दे रहा है। 2-spoke स्टेयरिंग देखने को मिलता है, लेदर रैप्ड है। यहाँ पे स्टिचिंग आप देख पाएंगे, रेड कलर में स्टिचिंग देखने को मिलेगी। ये रहे आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और यहाँ पे आप MID के कंट्रोल्स देख पाएंगे दोस्तों। एयरबैग की बैजिंग, टोटल 6 एयरबैग आपको ऑफर किए जाते हैं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स और इधर आप देखेंगे हेडलाइट के कंट्रोल्स प्लस क्रूज कंट्रोल। स्टेयरिंग की बात करी जाए तो आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों सपोर्ट के साथ स्टेयरिंग देखने को मिलता है दोस्तों। ये रही आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन, 10 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन आपको ऑफर करी जाती है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट। टच वगैरह काफ़ी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ ट्रैक्शन का बटन आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये रहा इसका रिवर्स कैमरे की क्वालिटी, कुछ इस तरह से आपको इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी देखने को मिलेगी दोस्तों, जो सो एंड सो है। AC के वेंट्स, ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हैजार्ड के लाइट, लॉक एंड लॉक। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड देखने को मिलती हैं। इन दो टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, साथ में वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, 1 12-volt का सॉकेट आप यहाँ पे देख पाएंगे जो काफ़ी अच्छा है। ये रहा आपका कंप्लीट डैशबोर्ड, रेड कलर का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपका सॉफ्ट में है, रेड स्टिचिंग देख पाएंगे, स्लाइडिंग भी है, प्लस आपको इतना स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। केबिन लैंप का आपके LED में है। ग्लासेस होल्डर आपके हटा दिए गए हैं। ये रहा आपका सनरूफ, वन टच सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक IRVMs आपको ऑफर किए जाते हैं। को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहा आपका कंप्लीट डैशबोर्ड, ग्लव बॉक्स, बहुत छोटू सा ग्लव बॉक्स है लेकिन कूल्ड है। चलिए अब सेकेंड रो में चलते हैं और सेकेंड रो के सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। सेकेंड रो का दरवाज़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ब्लैक और रेड स्टिचेस देखने को मिल जाएंगी और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंटीरियर्स ऑफर किया जाता है दोस्तों। सीटिंग की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। लेग रूम और नी रूम में भी कोई भी कमी आपको फील नहीं होने वाली है। ये आपका डैशबोर्ड सेकेंड रो से इस तरह का लगेगा और सनरूफ इस तरह से दिखेगी। AC के वेंट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। 2 type C पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम्प देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करी जाए तो आपको रियर सीट्स 60-40 स्प्लिट में देखने को मिलेंगी। रेड और ब्लैक कलर की सीट्स हैं और यहाँ पे आपको कप होल्डर ऑफर किया जाता है तीनों पैसेंजर्स के लिए। आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। सीट बेल्ट के साथ साथ आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी है। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। केबिन लाइट आपकी LED में है। ये रही आपकी रियर पार्सल ट्रे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको सेकेंड रो की सीट्स देखने को मिलेंगी गाइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंजन बे की बात कर ली जाए। इंजन बे का लेआउट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इंजन बे को एक्सेस कर पाएंगे और यहीं से आप उसको अनलॉक कर पाएंगे दोस्तों।
तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करी जाए तो आपको इसमें 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो 113 BHP की पावर देगा और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। फिलहाल ये 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ है, इसमें आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा। अगर आपको 7 स्पीड DSG गेयरबॉक्स चाहिए तो उसके लिए आपको मोंटे कार्लो का 1.5 लीटर वाला एडिशन देखने, उसके लिए आपको 1.5 लीटर वाला वेरिएंट खरीदना पड़ेगा दोस्तों, जो इससे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लगभग 22 लाख के आसपास पड़ने वाला है। तो ये रहा आपका कंप्लीट इंजन बे का लेआउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डैम्पिंग वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो दोस्तों ये था आपका स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन वाला। प्राइस पड़ती है 19.06 लाख। अब इस प्राइस रेंज में आपको कार जस्टिफाइड लगती है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज के बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों।